बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC। आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर देनी है। ठीक, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे ट्राइंगल, किस तरह से बनानी है उन्होंने दिया हुआ है। तो उसका एक जो लेंथ है AB वो होना चाहिए 5.2 सेंटीमीटर, एंगल B उन्होंने दिया हुआ है 90 डिग्री, और इसके साथ साथ AC का जो लेंथ है वो उन्होंने दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इन तीनों नंबर का यूज़ करके आपने ट्राइंगल्स बनानी है। इसके बाद टाइप भी पूछा है, तो बनाने के बाद उसकी साइड के हिसाब से आपने उसका टाइप्स क्या होंगे वो आपने बतानी है। ठीक, तो पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5.2 के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से यहाँ होंगे आपके पास 5.2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये यहाँ नोट कीजिएगा, ये वाला होंगे, तो ये आपका लेंथ होंगे। इसके लिए आप नाम देंगे AB, जो कि उन्होंने खुद कहा हुआ है। तो ये होंगे 5.2 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला जो है, यहाँ आपने 90 डिग्री का एंगल्स को बनानी है। तो यकीनन आप सीख चुके हैं, तो जल्दी से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कीजिएगा। करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना था, सबसे पहले एक सेमी आर्क, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रा कर देनी थी। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना था, इस पॉइंट के ऊपर रख के अगर आप इससे कट करेंगे ना इस आर्क को, इस सेमी सर्कल को, तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री, और यहाँ से ये बनेंगे आपके पास 120 डिग्री। ठीक, तो 60 और 120 के बीच में यकीनन 90 होते हैं, तो इसका हाफ लेंगे। हाफ लेने के लिए यकीनन इसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, अब तो कोई मसला नहीं होंगे। पहले आपने यहाँ पे रखते हुए दोनों बराबर आपने रखना है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं आर्क ले लूँ इसे, और आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं आग ले लूँ, तो ये दोनों इसका हाफ होंगे, जो कि आप कह सकते हैं 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये 60 है, ये 120 है, तो ये कितना होंगे, 90 डिग्री का होंगे। ठीक, तो उसके लिए यकीनी बात है, ये आप अगर इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, तो इसको अच्छी तरह से आप बनाइएगा, तो ये बन रहे हैं आपके पास 90 डिग्री। तो ये होंगे आपका पॉइंट, इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर देनी है। इसके बाद अगला जो काम है, उन्होंने क्या कहा है, आपके जो नंबर्स दिया हुआ है AC वो दिया हुआ है 6.5, मतलब यहाँ से यहाँ जो कहीं पर एक पॉइंट होंगे C, उसको आपने मिलानी है, जिसका लेंथ होनी चाहिए आपके पास 6.5। ठीक, तो इसके लिए आप यकीनी बात है यहाँ से क्या करेंगे, 6.5 लेंगे, तो ये बन गया आपका 6.5। तो इसको लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के आपने इसको कट कर देनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट जो यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसके लिए हम यकीनी बात है AC होंगे ये, तो ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ, तो ये बनेगा आपका एक ट्राइंगल, जिसका AC होंगे आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको रख के आपने यहाँ से इसको कट कर देनी है, बल्कि इसको ज्वाइन कर देनी है, तो ये बन जाएगा आपका एक ट्राइंगल, जिसका ये 5.2 होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। तो इसके लिए आप, बल्कि 90 के लिए हमेशा ये यूज़ कीजिएगा। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ ये जो लेंथ है वो होंगे 6.5 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते जाइएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर, बल्कि दूसरा जो पार्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल्स। तो एंगल्स के हिसाब से, यकीनन एंगल्स के लिए एक्यूट एप्टिट्यूड हम सीख चुके हैं, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिखिएगा पूरा लफ्ज। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC व्हेन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यकीनन तीनों लेंथ दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। इसके लिए 6 सेंटीमीटर कहा है, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। तो ये आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ बनेगा, जिसके लिए यकीनी बात है आप नाम देंगे A और B, समझ गए। इसके बाद इसका 6 सेंटीमीटर भी लिखेंगे। अगला जो है, उन्होंने BC दिया हुआ है 5.3, मतलब B से लेकर अगला यहाँ जो होंगे वो होंगे C, तो इसके लिए 5.3 उन्होंने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है, तो ये आ गया आपके पास 5
5.1, 5.2, 5.3, तो ये आप जानते ही है। तो यहाँ से आपने 0 तक लेनी है लेंथ, लेने के बाद इसको आपने कट कर देनी है ऐसे, समझ गए। इसके बाद अगला जो काम आप क्या करेंगे, 5.6 लेंगे, तो इससे थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा लेंगे 5 और 6, यहाँ से यहाँ तक होंगे ना 5 और 6, तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, मामूली थोड़ा सा आपने ज़्यादा करके लेनी है, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 3, जो कि 3 मिलीमीटर इसका ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो अगर कट करेंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट जो कि आपके पास आएंगे, इसको आप नाम देंगे सी, समझ गए। तो इसको आप इसके साथ, इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी करने के बाद, आपने सी टू बी जिसके लिए 5.3 सेंटीमीटर हमने लेंथ लिया था, और इसके लिए 5.6, तो इसको लिखेंगे। लिखने के बाद अगला जो पार्ट है, फ्रॉम सी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है जो इस लाइन के ऊपर 90° का एंगल बनाए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से और इस तरह से, और तब जाके ये परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये कंपास जो है इसको इसके ऊपर रखिए, आपने इसको इतना खोल देनी है कि ये जो है ना इस लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। जैसे कि मैं अगर देखूँ तो ये एक पॉइंट हो गए है ना, तो इसके बाद अगर मैं आगे लेकर जाऊँ तो एक और पॉइंट यहाँ जो है इसके ऊपर ये क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो आपने इसको ऐसे घुमा के 2 जगहों पर आपने इसको कट कर देने हैं, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है ये, इन दोनों का अगर मैं इस तरह से बाइसेक्ट इस तरह से हाफ कर दो ना, तो अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो ये जो लाइन है वो यहाँ से भी गुजरेंगे और इसका 90° में बनाएंगे, समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हाफ लेने के लिए आप जानते ही हैं क्या करेंगे, इसका यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और इसके साथ साथ इसके लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ से कट कर देनी है और यहाँ से भी आपने कट कर देनी है। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आप इसको मिलाएंगे ना तो परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक। तो अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यकीनन एक तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मिला सकते हैं ना, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, नहीं तो आप खुद देख भी सकते हैं इस पॉइंट को आप इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन, समझ गए। तो ये लिखने के बाद आगे मेजर लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपने निकालना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 90 हम जानते ही हैं, और अगर एक लेंथ निकालनी हो राइट से जो 22° वाला जो ट्रायंगल है उसका, तो उसके लिए आप इसके लिए एक्स नाम दे सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूस होंगे, ये बेस जो है ना इसका हाफ, अगर पूरा 6 सेंटीमीटर हो तो आप इसके लिए 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए यकीनी बात है यहाँ से आप क्या करेंगे, बाई यूजिंग फैथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम जानते ही है फैथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये हो गए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5.3 का होल स्क्वायर, और इसी तरह बेस जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आप 3 का स्क्वायर ही लिखिएगा, फिर एक्स का स्क्वायर आप लिखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 5.3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस होंगे, तो आपको ये जो लेंथ है वो मिल जाएंगे, ठीक। तो इसको अगर मैं 5.3 मल्टीप्लाई बाई 5.3 कर दूँ तो ये आ रहे हैं आपके पास 28.09। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस करेंगे यहाँ लेकर आएंगे तो ये आएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर आएंगे 19.09 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमें एक्स चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस साइड पे आके रूट होंगे, तो जब आप इसका रूट लेंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 4.37, समझ गए। 69 आ रहे हैं तो इसके लिए आप 7 लिख सकते हैं, तो ये आ गए, एक ही पॉइंट लिखेंगे तो 4.4 लिखिएगा, यही आपका आंसर होंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो, समझ गए। अगर आप यहाँ से यहाँ लेंगे तो इसके लिए मज़ीद ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास आंसर। इसके बाद ये रूट किस तरह से निकालते हैं ये यकीनन आपने सीखा होगा,
तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से जोड़ी करके। ठीक, तो ये आप 4×16 करके तो आपने सीखा होगा, तो इस तरह से भी आप 4.37 निकाल सकते हैं अगर कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद नहीं हो तो, समझ गए। तो इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो आपने एक्स वाई जेड लेनी है। ठीक, लेने के बाद सच दैट एक्स वाई जो है वो 5.4 होनी चाहिए, एंगल एक्स जो है वो 75 का एंगल बनाएंगे, वाई के ऊपर 60 का एंगल बनाएंगे, तो ये एक ट्राइंगल बहुत बन जाएगा। ठीक, तो इसके बाद मेजर द लेंथ आपने उसको भी मेजर करके वो भी लिखना है। तो यकीनी बात है पहला काम आप यहाँ से एक्स वाई 5.4 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से ये होंगे ना, तो इसके लिए आप थोड़ा सा दबा के पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पे भी आपने पॉइंट को हाईलाइट करना है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एक्स और वाई, आपका एक लेंथ बनेंगे जो कि 5.4 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, यकीनन 75 डिग्री एक्स के ऊपर बनाएंगे और इसके साथ साथ 60 डिग्री वाई के ऊपर। तो वाई के ऊपर हम 60 बनाते हैं क्योंकि 60 आप इजीली बना सकते हो, है ना, तो एक ही कट पे आपको 60 का एंगल बन जाएगा। तो इसके ऊपर रख के आपने क्या करना है, इसको कम ही खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ज़्यादा खोलेंगे तो सर्कल बहुत भरा बनेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर अगर आप रख के ऐसे कट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, यहाँ से आगे एक लाइन ड्रा करेंगे तो, समझ गए। इसके बाद अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, यहाँ से 75 का एंगल बनानी है। तो इसके लिए यकीनन आप दोबारा इसका हाफ लेंगे, इस तरह से हाफ सर्कल लेने के बाद, ये हाफ सर्कल लेने के बाद आप दोबारा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे अगर ड्रा करेंगे तो ये बनेगा आपका 60, जबकि 75 आगे होते हैं इससे। तो आपने क्या करना है, इससे आगे और मज़ीद 60 का एक एंगल ड्रा कर देनी है जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कट हो रहे हैं। तो ये बनेंगे 60 और ये होंगे 120, तो इन दोनों का अगर मैं हाफ ले लूँ तो ये 90 बनेगा। 90 का अगर मैं 90 और 60 का अगर मैं हाफ ले लूँ इस तरह से, तो यकीनी बात है वो 75 बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इन दोनों का पहले हमें हाफ लेना है, तो हाफ एंगल जो है वो क्या होंगे, इसके लिए इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, मसला नहीं है आप। ठीक, पहले यहाँ पे आपने बिल्कुल बराबर रख देनी है जो कि हम बहुत बार सीख चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करने के बाद यहाँ से भी ऐसे कट करेंगे तो ये 90 एंगल बन जाएगा। ठीक, तो ये अगर मैं इसको लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ से यहाँ, तो यकीनन आप जानते ही है ये जो कुछ इस तरह से थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो हमें ये लाइन पूरा नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये वाला जो पॉइंट है वो, क्योंकि हमें इन दोनों का हाफ एंगल चाहिए। तो इसके लिए आप दोबारा इसके ऊपर रख के आपने क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर रख के दोबारा इन दोनों का हाफ लेनी है, समझ गए। तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको दोबारा मिलाइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह नहीं बन रहा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री, समझ गए। तो ये आएगा आपका 75 डिग्री। इसके लिए आप रोलर का यूज़ करके इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड आपके पास आ चुके हैं, तो ये नीचे बनाना चाहिए था। ठीक, तो आप थोड़ा सा नीचे बना के सवाल को ऊपर लिखिएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जो है वो बन हमारा था 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ से 60, ये एंगल 60 होंगे और ये होंगे आपके पास 75, समझ गए। इसके बाद अगला जो पार्ट है, फ्राम बल्कि मेजर द लेंथ ऑफ साइड वाई जेड, ये वाई यहाँ से यहाँ तक और एक्स जेड यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपने मेजर कर देनी है, उसको आपने लिखना है। तो इसके लिए मैं अगर रूलर यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना होंगे, लगभग 7.4 के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7.4 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसका एग्जैक्ट आप लीजिएगा तरतीब से बनाने के बाद। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसका जो लेंथ है वो आ रहे हैं आपके पास यहाँ से यहाँ तक लगभग आ रहे हैं 7, बल्कि 6.8
ले सकते हैं आप, तो 6.8 सेंटीमीटर इसको आपने यहाँ पे लिखना है, समझ गए। तो कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखिए। इसके बाद अगला करते हैं 10। तो सवाल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ ईच साइड। तो तीनों साइड जो है वो उन्होंने दिया हुआ है इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तीनों साइड आपने मेजर करके इसको कंस्ट्रक्ट कर देनी है। मेजर द थ्री एंगल्स जो है, 3 जो एंगल्स बनेंगे यकीनन इसके अंदर, उसको भी आपने मेजर करके देखना है कि व्हाट डिड यू नोटिस। तो यकीनन आप देखकर बता पाएंगे कि वो किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, 6 सेंटीमीटर आप लेंगे। लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 6 के ऊपर आप डॉट को थोड़ा सा दबा के, और यहाँ से भी 1 के ऊपर जो है वो दबा के इसको हाईलाइट कीजिएगा। इसके बाद इसका नाम जो है वो अगर रखना चाहो तो ठीक, नहीं रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आप उसके हिसाब से लिखेंगे भी, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर हो गए। इसके बाद अगला जो है वो क्या करना है, दोबारा 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का दो लेंथ आपने लेनी है, समझ गए। तो इसके लिए अगर मैं मेजर करूँ यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 6 ये होंगे यहाँ, इसको आपने खोल के आगे लेकर जानी है ऐसे, तो ये आएगा आपका 6 लेंथ, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर इसका भी, और यहाँ से कट करेंगे 6 सेंटीमीटर रख के, ठीक। इससे ऐसे आप आर्क ड्रा करेंगे, और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, सॉरी दोबारा वही चीज़ जो पहले करते हुए थे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से मिला देनी है ऐसे, समझ गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, समझ गए। तो इस तरह से ये लेंथ 6, ये भी 6 और ये भी 6 आपका तीनों साइड मिल जाएंगे, तीनों बराबर, समझ गए। इसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो है मेजर द 3 एंगल्स। तो इसके लिए आप ये प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस साइड को अगर मेजर करूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो साइड है वो आ रहे हैं आपके पास 60 डिग्री, समझ गए। ये जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे ये एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री, और इसके साथ साथ अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये देख लीजिएगा, इसको भी हमने देखा, तो यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो ये आ रहे हैं 60 डिग्री, समझ गए। और इसी तरह इसको भी अगर आप मेजर करेंगे तो दोबारा वही आएंगे जो हमने अभी देखा, ठीक। तो यकीनन आप इसको भी चेक कर सकते हो, कीजिएगा। तो यकीनन आप इससे क्या कहेंगे, आल जो एंगल्स हैं ना वो भी हमेशा बराबर होंगे, अगर तमाम जो साइड है वो बराबर हो, तो ये आपने नोटिस किया है ना। तो अगर तीनों साइड बराबर हो तो यकीनन तीनों एंगल्स भी बराबर ही होंगे, 60 डिग्री का ही होंगे, समझ गए। तो इसका लेंथ चाहे जितना भी आप ज़्यादा कर दें या कम कर दें, जो एंगल बनेंगे वो 60 60 60 ही होंगे, ये भी आप याद रखिएगा, और इसको स्टेटमेंट में लिख भी आप सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।